हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मूवी जड्डा। और आज हम बात करने वाले हैं मुंजिया नाम की मूवी के बारे में। ये अभी हाल ही में रिलीज हुई है, यानी कि 7 जून को, और इसे मैं आज देख कर आया। इस मूवी को देखने जाने का विचार नहीं था, लेकिन जैसे जैसे इसके बारे में पता चलता जा रहा है कि मूवी वाकई में लाजवाब है, तो मैं इसे देखे बिना रुक नहीं पाया। और इस मूवी को देखकर जो आप एक्सपीरियंस करोगे, आपने वो अभी तक नहीं किया होगा, या कहें तो किया भी होगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। अगर आपने इस मूवी को बिल्कुल लास्ट तक देख लिया, तो आपको इस मूवी के लास्ट में अभी से बता देता हूं कि एक छोटा सा पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिल जाएगा। सबसे लास्ट में छोटा सा गाने के बीच में सीन आ जाता है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस मूवी के साथ में कनेक्टेड है। अभी से हिंट देकर मैं आपका मजाक खराब नहीं कर रहा हूँ, लेकिन स्त्री यूनिवर्स से कनेक्टेड है, और जो लास्ट मूवी आई थी उससे ये कनेक्टेड है। तो बात करते हैं इस मूवी की। तो इस मूवी के बारे में अगर मैं बताना शुरू करूं, तो इसमें ये समझ लीजिए कि आपको एक मुंजिया नाम का कैरेक्टर होता है, जो एक भूत होता है। अब पुरानी पौराणिक कथाओं के आधार पर ये मूवी बनी हुई है। अब वो मुंजिया क्यों है, और उसे किस चीज़ की जो एक ही चुल मची हुई है कि मुझे यही काम करना है, उसका नाम है शादी, यानी कि उसे शादी करनी है। क्यों करनी है, और करनी भी सिर्फ मुन्नी नाम की लड़की से है, जो कि हमें टीजर में और ट्रेलर में देखने से पता चल ही गया था। अगर आपने टीजर या ट्रेलर नहीं देखा है, तो सबसे पहले वो देख लो, आपको पता चल जाएगा कि ये मूवी आपको किस लिए और देखनी चाहिए। जिया को जब शादी करने की जिद पड़ जाती है, और वो शादी करने के लिए लड़की के पीछे भागा फिरता है, कभी बस में जाता है, कभी इधर कभी उधर, कभी जाएं कभी बाएं, सब जगह भागा फिरता है। तो उसे लड़के के साथ में जब टकराव होता है, और जो सिचुएशनल कॉमेडी बनती है, जिस तरह से पूरा एकोएक एक्शन, और बाकी बात करनी पड़ेगी इसमें इसके डायरेक्टर आदित्य की, लाजवाब उन्होंने इस मूवी को बनाने में अपना जितना भी एफर्ट्स पूरे लगाए हैं, वो उसके लिए काबिले तारीफ है। क्योंकि जिस तरह से इसे एक दिखाया गया है कि स्त्री यूनिवर्स से कनेक्ट कर दिया गया है, अगर आप पूरी सिचुएशन को समझोगे, तो आपकी समझ में आ जाती है हर एक चीज़। तो आपको इसलिए ये मूवी देखनी पड़ेगी। पूरा एक्सप्लेन मैं आपको यहाँ नहीं कर सकता हूँ, नहीं तो आपका पूरा जो एक सस्पेंस बना हुआ है वो पूरा खराब हो जाता है। लेकिन हाँ, इस मूवी की थोड़ी सी ये है कि जितनी ज़्यादा हाइप इसके कैरेक्टर को दिखाकर और जितना ज़्यादा डरावना बना सकते थे, उसमें थोड़ी सी कहीं ना कहीं कमी आपको नज़र आ जाती है। और जो इसके कॉमेडिक सिचुएशन बनती है, वो लाजवाब है और मज़ेदार है। तो इस चीज़ को देखने के लिए आप जल्दी से अपने टिकट बुक कर दीजिए, अगर आपने नहीं किए हैं तो, क्योंकि ये मूवी वाकई में माइंड ब्लोइंग है। और मैं इस मूवी को 5 आउट ऑफ 4 स्टार देता हूँ, क्योंकि ये मूवी वाकई में मुझे तो भाई मज़ा आया देखने में। बाकियों का मैं कह नहीं सकता, जितने भी मूवी रिव्यू करने वाले हैं, लेकिन 4 स्टार इस मूवी की के लिए बिल्कुल आप देखने के बाद कहोगे कि ये डिजर्व करती है, जिस तरह की ये मूवी है। बाकी आप हमारे चैनल पर जुड़ जाओ यार, चैनल को सब्सक्राइब करो। 1000 पार तो क्या, आप बिल्कुल 900 भी पार कराने के जुगाड़ में नहीं हो, 900 तो कम से कम करा दो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।